हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 का सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व करते हैं और इस अच्छे से देखते हैं। हम लोगों ने 2012 से 2016 तक का पिछले लेक्चरों में देख लिया, ये 17 है। अगले लेक्चर में हम 2018 की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, तो यह है सी ऑप्शन सही है, गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी इस समय, गाय मुद्रा की भांति प्रयुक्त होती थी, अर्थात क्रय विक्रय का प्रमुख साधन थी। गाय दक्षिणा में दी जाती थी, गाय यज्ञ या अथवा धार्मिक थी। ऋग्वेद में यत् तत् अतिथ्य हेतु गोवध की भी किया जाता था। कालांतर में वह अपनी उपयोगिता के कारण अवध या अघन्या कहलाने लगी। ऋग्वेद में गोष्ठी, गायों की गवेषणा, गवेषण, गत गम आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि सत्व का अंकन किया गया, तो यह सी ऑप्शन है, कानेरी। कानेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बौद्ध की कई अलग अलग मूर्तियां हैं। इसी गुफा में 11 सिरों वाली बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ये दोनों सही है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गोंटूफली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और बिहार चट्टानों को काट कर बनाए गए, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्य बिहार साधारणता चट्टानों को तराश कर बनाए गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इसमें तीर्थकर है और इसमें पितिमाल लक्षण है, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अब इस देख लेते हैं, आदिनाथ है जो, ये वृषभ, मल्लीनाथ, ये है जल कलश, पार्श्वनाथ, ये सर्प, और संभवनाथ है अस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आदिनाथ वृषभ है, मल्लीनाथ है जल कलश, पार्श्वनाथ है सर्प, संभवनाथ है अस। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो डी ऑप्शन है, ए अभिलेख, ईसा पूर्वी 6री शताब्दी के, जी गलत है। ए ऑप्शन सही है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बी ऑप्शन सही है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। सी ऑप्शन है सही है, यह भी सही है, अभिलेख इन गुफाओं को अजीबकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व से है, और कुछ अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। गंधार कला एक कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन फर्स्ट से, मिलिंद पनो, ये है मिनेंडर, और फिर है अपने तक्षला लेख पत्तिक दूसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, ठीक।
गंधार कला है जो कुषाण से संबंधित है, जमुनागढ़ है रुद्रदामन से, मिलिंद पन्हे हुए है ये मिनेंडर, और तक्षला है फतिक। अब बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईस्वी भी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये था राजस्थान में। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये महाजनपद इस प्रकार है, कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, ब्रज, चेंदी, मत्स, अश्वक, अवंती, गंधार, कंबोज। इन महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में अवस्थित था। आठवां क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बी ऑप्शन सही है, हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना शाह मोहम्मद तुगलक की स्मृति में कराई। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने 1394 ईस्वी में की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर की उपाधि प्रदान की गई थी। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था, जिसे पराजित कर 1485 में सुल्तान बहलोल लोधी ने सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अपना नौवां क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन सही। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण कर उस समय वहां काकतीय वंश का शासन था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया था। अब दसवां क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो यह हल्की संख्या, सी बी ऑप्शन सही है। अकबर ने शासन काल में 15वें वर्ष में खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली की सूत्रपात किया। भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार पर आधारित इस प्रणाली को जप्ति प्रणाली कहा जाता था। यह प्रणाली प्राय संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि दक्षिण भारत में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। वहां के किसान हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व की भुगतान करते थे। 11वां क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी, तो फ्रांसिस्को फुलसैट थे, बी ऑप्शन सही है। जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा करने वाला यात्री फ्रांसिस्को फुलसैट था। यह एक डच फैक्ट्री की गमास्ता था तथा आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। उसने जहांगीर के शासन पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम जहांगीर का भारत। निकोलो मनुक्की ने दारा सिको साहेलम राज जयसिंह के साथ कार्य किया। वह इटली से आया था। थ्रक्वेस बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। यह शाहजहां के दरबार में से संबंधित था। दारा सिको औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी की लड़ाई का साक्षी था। पुर्तगाल यात्री फादर एवोनी मांसरेट फादर इक्वाविया के साथ 1580 ईस्वी मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विशद वर्णन किया और फादर मांसरेट को शाहजहां मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं हम 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन है, कार्ल लॉर्ड कार्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंध नहीं है। ए ऑप्शन सही है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बी ऑप्शन गलत है, बाकी तीन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स की भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया था, ना कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय। शेष विकल्प सम्मिलित है, मतलब तीनों जैसे सही है, एक गलत है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो ये थे थॉमस
थॉमस बेलिंगटन मैकाले। गलत है ऑप्शन, इनमें कोई नहीं है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। विसंगत विकल्प में टीवी मैकाले के स्थान पर जीवी मैकाले दिया गया है, इसलिए आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, थॉमस बेलिंगटन थी, याद रखिए। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है इसमें, उपयुक्त सभी, मतलब नागपट्टनम, चिंसौरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डचों ने भारत के पूर्वी तट के और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों में भी अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। उन्होंने सूरत, भरूच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, चिंसौरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम में व्यापार केंद्र खोले। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो उनके नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन है हमारा कथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलित था। आर ऑप्शन फिर है कारण, धन की निकासी का स्वरूप ती आपती फलित निर्यात था। तो ए ऑप्शन सही है इसमें, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाकर भारत का आर्थिक शोषण किया। उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियां भारतीयों पर जबरदस्ती ला दी, और इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का हित रहा। इस शोषण की नीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया। जॉन सोलिवर्स ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु लेती है और टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। वहीं धन की निकासी से निर्यात के रूप में किसी प्रकार का वित्तीय फलन नहीं हुआ। ये थे जॉन लोबी सुलीवस। ठीक है, अब है 16वां, निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित नहीं है, इनमें से तो विद्रोह है ये बस। इनकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो सब कोई सही है, सभी सही है कोई नहीं। सन्यासी विद्रोह हुआ ये 1763 से 1800 में बंगाल में हुआ था। फिर दूसरा 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी को इतना क्षुब्ध कर दिया कि विद्रोह पर उतर आए। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। कोल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ 1831 से 1832, रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र में फैला। इस विद्रोह का कारण था कि आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमानों तथा सिख किसानों को दे देना। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने फारसी में तोहफत उल मुआद्दीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एक ईश्वरवाद की प्रशंसा की। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उनका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करने, ईसाई के प्रभाव को रोकना एवं सब धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। 18वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मेदिनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो डी ऑप्शन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थीं। प्रदर्शन में भाग लेने पर पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में 73 साल की मातंगनी गिनी हजीरा को, गोरखपुर असम में 13 साल की कनक लता बरुआ को, पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया।
देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में मेदिनीपुर, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बंगालसार तथा तानचेर ब्रिटिश शासन ने मुक्त कर दिए गए। वहां की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। मेदिनीपुर सरकार में जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अपना है 18वें के बाद 19वां। ठीक, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लस्की और रोज बेल्डन ने सहानुभूति डिप्टी की? तो ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, सी ऑप्शन सही है। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 तक 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था, जिसमें तीन अंग्रेज भी थे। इन विद्रोहियों के समर्थन में आइंस्टीन, रोजवेल्ट, वेल्स, हेराल्ड लस्की ने टिप्पणी की थी। 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो यह है ए ऑप्शन सही है, एम ए जिन्ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि यह दल काउंसिल के चुनाव में भाग लेगा। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आजाद ने किया था। 21वां देख लेते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह 1905। बी ऑप्शन सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1866 से 19 इनका भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक थे। महादेव गोविंद रनाड़े के शिष्य गोखले को वित्तीय मामलों की आती समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी इन्हें उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, बी ऑप्शन 22वां है। नीचे दिए एक कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में निर्दिष्ट करना है? तो ये ऑप्शन इसमें सही है। पहले दो मतलब चंपारण हुआ पहले 17 अगस्त 1917 में, फिर आया अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर है खेड़ा, फिर है रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित 17 अगस्त का पहला प्रयोग 1917 में बिहार में चंपारण नामक स्थान पर किया। यहाँ पर यूरोपीय बगीचों के स्वामी नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। वे किसानों को नील की खेती करने और उनकी पैदावार की सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर करते थे। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी के 17 अगस्तों की कड़ी में दूसरा खेड़ा के किसानों का 17 अगस्त है। 1918 में गुजरात के खेड़े जिले में खराब फसल होने से किसानों की हालत खराब हो गई। मजबूरन यहाँ के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। इस संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सक्रिय भूमिका निभाई। खेड़ा में ही जून 1918 में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। 1918 में ही अहमदाबाद में के कपड़ा मिल मजदूरों का वेतन वृद्धि के प्रश्न पर यहाँ के मिल मालिकों ने झगड़ा हो गया। मजदूरों ने मिल में फरवरी मार्च 1918 को हड़ताल कर दिया। मिल मालिक किसी भी प्रकार से समझौते के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने इस झगड़े के निपटारे का प्रयत्न किया। गांधी जी ने मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि को उचित ठहराया। भारत सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में दो बिल प्रस्तुत हुए। इतिहास में यह बिल रॉलेट बिल के नाम से जान प्रसिद्ध है। इन दोनों बिलों में से एक को 19 मार्च 1919 को पास किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसे काला कानून
कहकर पुकारा गया। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन है नाथुला, मेघालय में नहीं है। ठीक है, सिपकिला, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश, ये सिपकिला है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, सिक्किम में नाथुला और जम्मू कश्मीर में जुजला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, सिक्किम में नाथुला, जम्मू कश्मीर में जुजला। 24वां देख लेते हैं हम लोग। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, जलप्रपात है ये नदी है, तो ये ऑप्शन सही है इसमें। दूध सागर, मांडवी, डुडमा, मच्छकुंड, गोकाक, घाट प्रभा। गोकाक हो गया, घाट प्रभा, जो सरावती, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दूध सागर, मांडवी, डुडमा, मच्छकुंड, गोकाक, घाट प्रभा, जोग, सरावती। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए, तो सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन है इसमें, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। विकल्प में दी गई पहाड़ियां जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है गारो, खासी, जैंतिया, नागा। गारो, खासी, जैतिया, नागा। 26वां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक, डायरेक्ट उष्ट कटिबंधीय वन है साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष है हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति है सुंदरवन और पतझड़ वन है राजस्थान। इसमें से डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उष्ट कटिबंधीय वन है साइंट वैली, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति है सुंदरवन, पतझड़ वन है राजस्थान। 27 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन है 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र है भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिम मैदान क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। अब 28, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन सही है, नहीं है इसमें, इडुक्की, तापीय शक्ति ग्रह, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, सॉरी है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन है इसमें 2, 3, 1, 2, 3, 4, मतलब इडुक्की, तापीय शक्ति ग्रह, ये सही नहीं है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभाव सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। शेष विकल्प सम्मिलित हैं। ठीक है, 3, 4, 2, 3, 4 सही है। 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित शैल क्रम में निम्न में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो बी ऑप्शन गोंडवाना क्रम। व्याख्या देखते हैं, देश में प्राचीन काल में कि गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है, शेष 2% तृतीयक या टर्शरी युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में स्थित है, जहाँ से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त है। गोंडवाना युगीन कोयला बिटुमिनस विकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला के रूप में देश में के लोहे इस्पात के कारखाने में किया जाता है। 30 है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो डी ऑप्शन है सेलम, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, एक कारखाना स्थित है वहीं लेकिन समीप में नहीं है, मतलब पास में नहीं, सेलम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जमशेदपुर उड़ीसा के गुरु महेशानी मयूर गंज की नोआ मुंडी खानों से, लुएस कोयला है झरिया की खानों से, चूना पत्थर बिहार उड़ीसा की खानों से, जल है स्वर्ण रेखा और खर कई नदियों के, कोलकाता। ठीक है,
किला उड़ीसा में, क्योंझर बोनाई क्षेत्र में, झरिया एवं तलचर खनों से कोयला मिलता, हीराखंड से जल विद्युत भी। उड़ीसा के वीर मित्र हाथी बाड़ी से, ब्राह्मण नदी व सेक नदी पर बने बांध से पानी मिलता है जल। चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, हे बाजार, दुर्गापुर है, छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से मिलता है ऐसे लोग है। कोयला मिलता है बराबर और झरिया क्षेत्रों से, डीबीसी, दामोदर नदी से पानी, और एक बाजार है कोलकाता। सेलम है जो इस्पात कारखाना का चेप साल के माल के क्षेत्र में समीप नहीं है, बी ऑप्शन। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, एल्यूमिनियम है, स्थिति है ये, बी ऑप्शन सही है। 2 4 1 3 मतलब बालको, कोरबा, हेंडाल्गो, रेनुकॉन, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड, नालको, कोरापुट, बालको, कोरबा, हिंडालको, रेनुकोट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड, नालको, कोरापुट। 32 है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, सी ऑप्शन सही है इसमें, पारादीप। व्याख्या देखते हैं इसकी, विकल्प में दिए गए बंदरगाह में पारादीप बंदरगाह सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। यह बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक कृत्रिम हावर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी व महानदी के समीप संगम पर स्थित है। अब 33 बार देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो ए ऑप्शन सही है, 1 2 4 सही है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश से नहीं हो जाती। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत में मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82 85 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना जाता है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। यह भारत को उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के जिन प्रदेशों से होकर गुजरती है, में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखिए हमेशा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 34 बाय, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो सी ऑप्शन है, कोलोराडो। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा है, जो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, जबकि कोलंबिया का पठार 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। 35 बाय है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल, बी ऑप्शन सही है, वायुमंडल में नमी पर, वर्षा, रेनफॉल, एक विकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी बाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक है, हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प का होना, और दूसरा है बाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थ के संपर्क में आने से ठंडा होकर होना, ओशांत तक पहुंचना। उत्तर स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय, चक्रवाती वर्षा। 36 से देखते हैं, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है, तो डी ऑप्शन है, सियाचिन, डी ऑप्शन सही है, ससाइनी हिमनद। इसकी लंबाई है 70.85 किलोमीटर। सियाचिन हिमनद है जो 76 किलोमीटर, गंगोत्री हिमनद है 26, और जैमू हिमनद है 5 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं 31 36 37, अधोलिखित में से कौन सी महासागर धारा नहीं है, तो डी ऑप्शन है, अबुलहास, अबुलहास, कनारीज, ये ठंडी है, हम्बोल्ट, ये भी ठंडी है,
उवासियो, ये भी ठंडी है। अउला से जे गर्म और स्थायी है, ठीक है। 38 लाल सागर एक उदाहरण है, तो सी ऑप्शन है अक्षीय दौड़ी का। अक्षीय दौड़ी का उदाहरण है लाल सागर। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मित्र सागर तक पहुंचती है। 39 है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो बी ऑप्शन है 0.03, 0.03%। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, इसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हेलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान आता है। इन गैसों के वायुमंडल में पाए जाने का 50% निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। CO2 एक भारी गैस है, सौर विकिरण के लिए पराक्रम है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपराक्रम। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी बढ़ती मात्रा तापमान में वृद्धि में सहायक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के द्वारा इसमें इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी है। 40 है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो बी ऑप्शन है एवरडीन। यूरोप की तेल राजधानी एवरडीन को कहा जाता है। 41 है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो फजेंडा, बी ऑप्शन सही है। दक्षिण अमेरिका कुल क्षेत्रफल का केवल 10% बाकी खेती के योग्य है। अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है जहाँ गेहूं और मक्का की अच्छी खेती होती है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर संसार में कहवे के सबसे बड़े उत्पादक हैं। यहाँ की लाल मिट्टी कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जो फजेंडा कहलाते हैं। 42वां है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी है? तो ए ऑप्शन सही है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के पर शुरू हुई। यहाँ की लगभग 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित है जबकि शेष विभिन्न देशों से प्रवासित यहूदी जनसंख्या है। देश की लगभग 40% जनसंख्या विदेशों से आई है जिन्हें ओलिम कहा जाता है जबकि जिन यहूदियों का जन्म इजराइल में हुआ उन्हें सौरस कहते हैं। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्गों के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सी ऑप्शन है लुडविक्स नहर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लुडविक्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। वोल्गा डॉन नहर एक जहाजी नहर है। यह वोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ती है। यह नदी कैस्पियन सागर, एजोव सागर और काला सागर को जहाज रानी के लिए जोड़ती है। स्वेज सागर नहर रूस में अवस्थित है। यह नहर स्वेज सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसकी डी ऑप्शन है मालदीव, मलावो। डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। गिनी बिसाउ, ये बिसाउ है इसकी राजधानी। ताइवान, ताइपे ही है। निकारागुआ, मानागुआ है। मालदीव, माले है। मालदीव की राजधानी माले है। 45 देख लेते हैं हम लोग। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये नगर और नदी। तो ए ऑप्शन सही है इसमें। खार्तूम, नील नदी के किनारे। ब्राजावेले, ये जेरे। रोटरडम, ये राइन नदी। पेरिस सैन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खार्तूम है जो नील नदी, ब्राजावेले, जेरे, रोटरडम, राइन, पेरिस है सैन। 46 बार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ए ऑप्शन सही है इसमें, उत्तर प्रदेश। भाई
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए राज्यों में निम्न में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का एवं उसका प्रतिशत निम्न है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति की संख्या है कुल 11,34,273, 0.6%। बिहार में 13,36,573, 1.3%। तमिलनाडु में 7,94,000 657, 1.1%। केरल में 4,84,000 839, 1.5%। 47वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई है? तो यह नागालैंड, ये ऑप्शन सही है इसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों के जनसंख्या वृद्धि की कमी का प्रतिशत निम्न प्रकार है। नागालैंड में 0.6%, मणिपुर में वृद्धि -0.6%, मणिपुर में 24.5%, त्रिपुरा में 14.8%, सिक्किम में 12.9%। 48 है, नीचे दिए गए कथनों में दिए गए हैं, इन्हें देखना है। कथन आपको बता दें, कथन ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई। और आ रहे हैं, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1993 के अनुसार विश्व में संक्रामक रोगों के कारण 1996 तक 17 मिलियन लोगों की मौत हुई, किंतु इसके अतिरिक्त इसमें के लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार की समस्या का प्रमुख कारण स्वास्थ्य नियोजन का ना होना है। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित, कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे? तो डी ऑप्शन है, हरियाणा। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में हरियाणा राज्य की आर्थिक स्थिति सबसे सुदृढ़ है किंतु लिंग अनुपात के मामले में सबसे नीचे। इसमें दिए राज्यों के लिंग अनुपात पश्चिम बंगाल का 950, मध्य प्रदेश का 931, महाराष्ट्र का 922, हरियाणा का 861। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है? तो सी ऑप्शन है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। व्याख्या देखते हैं, राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडी कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है, बी ऑप्शन सही है। 1 और 8 दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है। तथा कथन सही है, भारत अपना लिखित संविधान है, अतः कारण भी सही है। अब 52वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो डी ऑप्शन है, मृत्युदंड। बाकी तीनों सही है, एक चिकित्सक द्वारा घायल की कुछ चिकित्सीय सहायता करना, बी ऑप्शन कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। व्याख्या देखते हैं, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता परमानंद बना भारत संघ 1998 में, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विशाखा मामले में अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा पानी की गुणवत्ता को दूषित करना संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है, मृत्यु दंड अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता। 53वां क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं समान है? तो ये ऑप्शन सही है, केवल 3।
उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, बाकी तीनों गलत हैं। अवशिष्ट शक्तियां आपको बता, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है, एक दो चार गलत है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी गलत है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानताएं तो कुछ असमानता है। यहाँ भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, वहीं अमेरिका राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि अमेरिका के पास में ऐसा नहीं है। इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक, 54वां क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने की हेतु गठपूर्ति कितनी होना चाहिए? बी ऑप्शन सही है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10/12। बी ऑप्शन सही है, कोरम या गढ़पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समय कुल सदस्यों का 10/12 होता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 55 सदस्यों, राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 25 सदस्य आवश्यक होना चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गढ़पूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। 55वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, राज्यों सभा के सदस्यों की संख्या, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। गुजरात में 11, कर्नाटक में है 12, केरल में है 9, उड़ीसा में है 10। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, गुजरात में 11 हैं राज्यसभा में, लोकसभा में 26, कर्नाटक में राज्यसभा में 12, लोकसभा में 28, केरल में 9 है राज्यसभा में, लोकसभा में 20, और उड़ीसा में 10 है राज्यसभा में, 21 है लोकसभा में। 56वां है, प्रोटेम स्पीकर नामांतर किससे नियुक्त किया जाता है? तो सी ऑप्शन है, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। संविधान में व्यवस्था की गई कि पिछले लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा में के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या सामरिक एक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को इसके लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का स्थायी अध्यक्ष के साथ ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में बैठा सिंह अधिकारी होता है, उसका मूल कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना, वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं में समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालिक होता है। 57 देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो सी ऑप्शन है, 1952। भारतीय संविधान के परिवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होता है, इसमें 12 सदस्य के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। शेष 238 का चुनाव राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों की सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? सी ऑप्शन है, इसमें साक्षी के रूप में उपस्थित विशेष स्वतंत्रता। सामरिक विशेष अधिकार है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये ऑप्शन सही है। आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी बी ऑप्शन सही है। और 14 सही है, अपरिचित को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार। इसकी व्याख्या देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 105(3) में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, इनमें यह
मिले की संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें न्यायिक गवाही आदि में जारी किए गए समन से छूट है, यह एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, अन्य सभी सामूहिक विशेषाधिकार है। 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो बी ऑप्शन सही है, एक और तीन। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये सही है। वह विधानसभा का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होती है। जिन राज्यों में द्वि सदनीय व्यवस्था है वहां विधानसभा में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होती है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो, इसका व्यवहारिक अनुभव होता है। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा आदि की ओर कुछ मामले, दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति को है। साथ देखते हैं, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, उत्तरवृत्त रहेगा, सी ऑप्शन है, एक वर्ष से अधिक नहीं। संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, यदि राज्यसभा में उपस्थित उस मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि समीचीन और संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक कि यह संकल्प संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने विधि पूर्ण होगा। इस खंड के अंतर्गत पारित संकल्प एक वर्ष से अधिक अनिधिकृत ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। 61 बार देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सहकारिया आंदोलन का सदस्य था, तो सी ऑप्शन है, डॉक्टर एस आर सेन। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य बी शिवदासन और एस आर सेन थे। आयोग ने अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अब अपना है 62 बार, निम्नलिखित में कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है, तो बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य परस्पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था की करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया परिभाषित कर सकता है। एक सशक्त नियमित अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सहकारी आयोग 1983-87 ने दिया था। अब बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों के लक्षण नहीं है, तो ये ऑप्शन है, यह एक संविधानिक संस्था है, ये नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी, ये भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। यज्ञ भी चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी वह क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, डी ऑप्शन भी है, एक परामर्शदायी दात्री संस्था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद संविधान सांविधिक निकाय है, ना कि संविधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिणी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ावा देना है।
ये आर्थिक तथा सामाजिक योजना भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद अंतरराज्यीय परिवहन जैसे विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्कृति प्रस्तुत करती हैं। ये केवल चर्चात्मक परामर्शदायी निकाय चंडीगढ़ राज्य ना होते हुए भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में 64 है। निम्न नीचे दिए दो कथन दिए गए कारण अभिकथन कारण। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ सुधार की वस्तुएं हैं। बी ऑप्शन सही है। आर ए और दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और इंग्लैंड के की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक मध्यम मार्ग निकाला। न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई कि वह किसी भी विधि को जो विधानमंडल की शक्ति के बाहर है असंवैधानिक घोषित कर दे। भारत का उच्चतम न्यायालय एक शक्तिशाली न्यायालय है क्योंकि इसकी शक्ति का विस्तार कानूनों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि संविधान की भी समीक्षा करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में कुछ सुधार की वस्तुएं जैसे निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश निहित करना अमेरिका संविधान से लिया गया। 65वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दो कथन है। कथन आर चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। फिर आर है कारण आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। सी ऑप्शन सही है। ये सत्य आर सत्य। एक की व्याख्या देखते हैं इसकी। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों का चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का अनुपालन करें। अब बात करते हैं 66वां क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है क्वेश्चन पढ़ लेना। अड़तीसवां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाए। 61वां संविधान संशोधन है मताधिकार की 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाना। 42वां संविधान संशोधन है उद्देश्य का में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। ठीक है 38 है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। फिर 48 है ना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना। 61 है वह संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाना। 42वां संविधान संशोधन है उद्देश्य क्या में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। अब 67वां संविधान भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में क्या उपबंधित है। तो चारों में डी ऑप्शन सही है। मतलब संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद शपथ का प्रारूप है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ का ज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं जो संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप है। संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप है। संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। किसी राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप है। किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के लिए किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान या प्रारूप है। अतः स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया।
अब देखते हैं 68वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन लेखानुदान। बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, बाकी तीनों सही है। नीति अनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया। मितवेयता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निश्चित निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। बजट पास करने की प्रक्रिया, बजट पेश करने किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांग स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्तीय विधेयकों के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के बाद तक भी चलती है। जब तक संसद मांगे स्वीकृत ना कर लेती है तब तक के लिए आवश्यक है। देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है, तो इसलिए लेखानुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई कि वह बजट की प्रक्रिया पूरे होने तक किसी वित्तीय वर्ष की एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती। अब है 69। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कुटी कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं का कालक्रम निम्न है। अपनी जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 22 जनवरी 2015 को, अटल पेंशन है 1 जून 2015 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, प्रधानमंत्री जन योजना ये 28 अगस्त 2014 को। अब अपना 70। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है तो केवल संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, इसमें सी ऑप्शन है, केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 71 है। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था, तो बी ऑप्शन से। 28/1000 लाइफ बर्थ। 11वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन 19 सितंबर 2007 को प्राप्त हो गया था। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 व्यक्ति जीवित जन्म के स्तर पर लाना था। कुल प्रजनन दर को 2.1% लैंड से लाना। 72 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया, तो सी ऑप्शन सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गम रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना एक चक्रव्यूह चुनौती माना जाता है। 73। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरंभ होने के कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब इसकी हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी बात करें तो 28 अगस्त 2014 को। फिर अपना डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन 9 मार्च 2015। मुद्रा बैंक थी जो 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 9 मई 2015। अब है 74। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है, तो सी ऑप्शन है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, इसमें पूरक आहार भी होता है, रोग प्रतिक्षण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण। व्याख्या देखते हैं। समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना 6 वर्ष के तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गई थी, जबकि
इसमें बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक के वितरण का कोई उल्लेख नहीं है। वित्त वर्ष 2017-18 की संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं, तो ए ऑप्शन सही है, निर्यात निष्पादन। केंद्रीय बजट 2017-18 में सरकार का एजेंडा TES इंडिया अर्थात ट्रांसपोर्ट एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया निर्धारित किया। TES इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रस्ताव को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव है, जिनमें शामिल है किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, निर्धन एवं वंचित वर्ग, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, लोक सेवा, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और कर प्रशासन, निर्यात निष्पादन इसमें शामिल नहीं है। क्षेत्रवा क्वेश्चन है, बोलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धन नहीं। सत्रहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, तो बी ऑप्शन है 1995। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1995 में परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया गया था। इस परिभाषा के अनुसार पूर्ण गरीबी एक ऐसी शर्त है जिसमें मानव की बुनियादी जरूरतों की गंभीर समस्याएं, भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की सुविधा, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा एवं सूचना शामिल है। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तो डी ऑप्शन है आराम। बाकी तीनों होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रयुक्त किया जाता है। उपरोक्त विकल्पों में आराम प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। अब है 79वां क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव को। डॉपलर इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है, इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर द्वारा उपग्रह को ट्रैक किया जाता है जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। 80वां क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, तो सी ऑप्शन है 10 यूनिट। बल्ब की क्षमता 100 वाट की है, कुल बल्बों की संख्या 5, अतः कुल क्षमता है 100 × 5 मतलब 500 वाट, समय 20 घंटे, विद्युत खर्च वाट इंटू घंटा अपॉन 1000, ये 10 यूनिट निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं 81वां क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो बी ऑप्शन है आयतन। द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा, सांद्रता बदल जाएगी, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोल कर तैयार विलयन में उसके द्रव्यमान में अवश्य परिवर्तन होगा। द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन घनत्व को भी प्रभावित करता है, करेगा। सांद्रता अवयव की मात्रा पर ही निर्भर करता है, अतः यह भी प्रभावित होगी, किंतु आयतन किसी के घेरने की माप होती है जो नहीं बदलेगा। आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में प्रश्न का उत्तर ए सही माना गया था। ठीक है, 82 देखते हैं, मोबाइल चार्जर होता है, तो डी ऑप्शन है एक अपचाई ट्रांसफार्मर।
मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर जिसके प्रयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है। इसके एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। 83 है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि सी ऑप्शन सही है इसमें 2 और 3। क्योंकि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा मूल दिशा को विचलित करती हैं, एंटीना छोटे होते हैं, ये गलत है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, सब पता चल जाएगा। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में मौसम सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं तथा समय साथ ही साथ वर्षा की बूंदों से रेडियो तरंगों में अपवर्तन एवं परावर्तन होने से सिग्नल बिखर जाते हैं एवं कमजोर हो जाते हैं। सिग्नल में कमी के 2 कारण होते हैं, वर्षा की तीव्रता, उपग्रह की सापेक्षिक ऊंचाई। एंटीना छोटा होना इसका कोई विशेष कारण नहीं है, अतः कथन एक गलत है, कथन 2 और 3 सही है। 84 है, एक कटा हुआ हीरा जग महगाहट के साथ चमकता है, बी ऑप्शन है सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसकी व्याख्या देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कटे हुए हीरे को की जगमगाहट का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। 85वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, तो ए ऑप्शन सही है, मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मेथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हुए। तो याद रखिए, गैस थी मेथाइल आइसो साइनेट, इसे मिक भी बोला जाता है। ठीक, 86वां, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होगी, किसकी होती है, तो यह एथाइल मर कैप्टन। व्याख्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोटेन ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं। इन्हें द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होती है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथाइल मरकैप्टन आदि मिला दिया जाता है। 87वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, रेशम। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये प्रोटीन रेशों में मुख्यतः फीवोन फीवोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे उत्तम किस्म का रेशम शहतूत के पत्तों पर चलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। बेकेलाइट केओलार लेक्सान आदि कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। 88 है, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रसायन सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कावामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगीन गंधहीन सफेद रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ है। यह जल में अति विलेय है। यह स्तनपायी और शरीर सिर्फ प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय फ्रेडरिक बोहलम को जाता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिन्न क्रिया से होता है। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल
अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, साइट्रिक अम्ल नींबू में तथा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। 90वां क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो इसमें फैक्टोज, डी ऑप्शन सही है। फलों के मीठे स्वाद का कारण उसमें पाई जाने वाली फैक्टोज है, फल शर्करा। फैक्टोजन एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक प्रकार का प्राण जलीय है जिसका स्वाद मीठा होता है। इसका आटम सूत्र भी ग्लूकोज की तरह होता है, C6H12O6 होता है। इसकी अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि दूसरे कार्बन C2 पर केटॉन समूह उपस्थित है तथा ग्लूकोज के सब के ही समान इसमें 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला पाई जाती है। 91वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, उत्पाद है जो स्रोत है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अफीम है जो तना, अफीम है जो फल है, हींग है ये जड़ है, रबर है ये तना है, कुनेन है जो छाल है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अफीम है फल है, अफीम फल है, हींग है जो जड़ से होती, रबर तना, कुनेन छाल। अब बात करते हैं 92वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन है फ्लोराइड एंड अपच, ये गलत है। पारा है जो मीनामाटा बीमारी होती है, कैडमियम एटाइटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इससे। इसकी व्याख्या देखते हैं हम, विभिन्न प्रदूषकों से होने वाली बीमारी निम्न है, पारा से मीनामाटा बीमारी, कैडमियम से होती है एटाइटाई बीमारी, नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयरन से होती है फ्लोरोसिस रोग। 93वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों, कथन ए है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सक्षम है, और कारण है यार मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेस विद्यमान रहता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, मानव शरीर सेलुलोज के लोज के पाचन में सक्षम है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेस विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। इस कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर कथन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब 94वें क्वेश्चन की बात करें, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन है मस्तिष्क, ब्रेन। सुई चुभाने पर मानव शरीर के मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है, बल्कि इसे मात्र नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाते हैं कि कुछ घटना हुई है, इसलिए शरीर दर्द महसूस करता है। विकल्प दिए गए अन्य अंग सुई चुभाने पर दर्द का अनुभव करते हैं, त्वचा, हृदय, नेत्र, नेत्र, मस्तिष्क नहीं करता। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन है गीदड़ में। खुर कुछ जंतुओं के पांव की अंगुलियों के उस अंतिम भाग को कहा जाता है जो उनका भार उठाते, केराटीन नामक नाखून जैसी सख्त चीज से ढका होता है। खुर पाए जाने वाले जंतु घोड़ा, गधा, जेब्रा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी आदि है, जबकि गीदड़ के खुर नहीं होते। 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। इंसुलिन है जो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन है निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन है स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्सरण करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, इंसुलिन है जो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन है निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, गैस्ट्रिन है यह उदय में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। गैस्ट्रिन का स्रावण उदर में भोजन के पहुंचने से आरंभ होता है, न्यून पीएच स्रावण में रुकावट लाता है। 97वां क्वेश्चन,
त्रासर में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो बी ऑप्शन है वसा का, फैट का। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी गिनती है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का रिसाव होता है जो पित्राशय में जमा होता है। पित्राशयी नालिका ग्रहणी में खुलती है, पित्त वसा के एमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्राशय में उपस्थित पत्थर पित्त के स्राव को बाधित करता है जिसमें वसा का एमल्सीकरण बाधित होता है। 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो ये ऑप्शन है रतौंधी, रजकहीनता भी है, हीमोफीलिया भी है, वर्णांधता भी है। ये अनुवांशिक रोग है तीनों, रतौंधी नहीं है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता अनुवांशिक रोग है, जबकि रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी आपकी एक बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त वह नजदीक के चीजों को भी ठीक से नहीं देख पाता। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन सी ऑप्शन इसमें वैसे सही नहीं है। विटामिन डी बंध तारोधी कारक नहीं है। इसकी व्याख्या, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, हड्डियों का रोग होता है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने की सूखा रोग कहते हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य है। विटामिन की है ये पित्त रक्त स्रावी कारक है। विटामिन सी पित्त स्कर्वी कारक है और एक ऑप्शन है विटामिन B12 पित्त अरक्तता कारक है। 100वां क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है? तो सी ऑप्शन है घेंघा रोग। आयोडीन मानव शरीर का आवश्यक भौतिक तत्व है। यह ऑटोगेंथी के समय की या विधि के लिए आवश्यक है जो शक्ति का निर्माण करते हैं, हानिप्रद कीटाणुओं को मारती है और इसे के हार्मोन थायरोक्सिन की कमी पूरा करते हैं। आयोडीन मन को शांति प्रदान करता है, तनाव कम करती है, मस्तिष्क को सतर्क रखती है और बाल, नाखून, दांत और त्वचा को उत्तम स्थिति में रखने में मदद करती है। आयोडीन की कमी से गर्दन के नीचे ऑटो ग्रंथि में सूजन हो जाती है और हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है जिससे शरीर के सभी संस्थान अव्यवस्थित हो सकते हैं। 101वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये ऑप्शन सही है चींटी का। विकल्पों में दिए जंतु में शरीर के अनुपात में चींटी के सिर सबसे बड़ा होता है। उपयुक्त जंतुओं के शरीर का अनुपात है शरीर और सिर का अनुपात है। चींटी का 7:1, मानव का है 50:1, हाथी का है 560:1, डॉल्फिन का है 1000:1। अब हम बात करते हैं 102वां क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? तो डी ऑप्शन 5 माइक्रोन। कौन से कण? हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 4 से 5 माइक्रोन से कम होता है जो कि श्वास लेते समय सीधे तौर पर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। 103वां है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन अजोला, मक्का ये गलत है। नील हरित शैवाल धान में राइजोबियम लेग्यू, मिनी सारम है मटर में, एजोटा वेक्टर गेहूं में। इसकी व्याख्या देखते हैं, मक्के में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक अजोला नहीं है। अजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल में से मिलती जुलती है। सामान्यतः अजोला धान के खेत या उथले पानी में पाई जाती है। अजोला की पंखुड़ियों में एना बीना नामक नील हरित काई के नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में बहुमंडलीय नत्जन का यौगिकीकरण करता है और जो हरे खाद की तरह फसल को नत्जन की पूर्ति करता है। धान के खेतों में इसका उपयोग सुगमता से किया जाता है। 104वां क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, पश्चिमी घाट है कुमारी स्थानांतरित खेती, दक्षिणे पूर्वी राजस्थान बालतरे, उत्तर पूर्वी भारत झूम, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में दहिया या दहिया कहते हैं स्थानांतरित खेती को। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कैसे कहते हैं? झूम
कृषि और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डहिया या दहिया। 105वां है, निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसमें। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है, बाकी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसकी व्याख्या की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 106वां क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो भाई ए ऑप्शन सही है इसमें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रक ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जो वातावरण के ताप वृद्धि में सहायक होती है। यह आकलित किया जा गया है कि 400 ppm में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वातावरण का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा देगा। आयोग द्वारा एफिशिएंट मूल्य अंकन से बाहर कर दिया गया, याद रखिए। 107वां, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर से लगभग 10 डिग्री अक्षांश के भीतर होता है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की आधी संख्या इन वर्षा वनों में रहती है। इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। 108वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो बी ऑप्शन है 1980। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वनिकी कार्यों में उपयोग से रोकना है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वनिकी या किसी भी अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। ध्यातव्य है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अब 109वां क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो ए ऑप्शन है, प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से, तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों से। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया। जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या होने के कगार पर। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो ये ऑप्शन है 1, 4, 1, 2, 4, मतलब जीवाश्म ईंधन का आधिकारिक विचलन, दूसरा तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत, सौर दधक में वृद्धि ये गलत है। जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक विचलन, तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन आदि उपयुक्त विकल्पों में सौर दधक में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं है। 111वां है, रानी लक्ष्मीबाई समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी? तो सी ऑप्शन है 1996। इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, जिसका उद्घाटन सन 1996 में किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 256.14 वर्ग किलोमीटर। 112वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो ये ऑप्शन हाइड्रोजन। वर्तमान समय में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ हाइड्रोजन सेल का प्रयोग भी ऊर्जा उत्पादन तथा अधिक दूरी के वाहनों में किया जाता रहा है।
जो जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले कम प्रदूषण करता है। विकल्प ये अन्य सभी ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन से कई गुना अधिक प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पार्क है? तो बी ऑप्शन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेलीप राष्ट्रीय पार्क, जिसे 1936 में स्थापित किया गया, इसी का पार्क का नाम वर्तमान में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो नैनीताल में अवस्थित है। 114वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो सी ऑप्शन है इसमें जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। जीव में जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम इस प्रकार, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। अब 115वां है, निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन नहीं है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन ऑटोमाइल से संबंधित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड जल मगन धान के खेत से, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं लेड निकलता है, ना कि सीएफसी। शेष तीन विकल्प सही है, सीएफसी गैस फ्रिज रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से निकलती है। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कारण कथन है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, कथन आ रहे हैं मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से, कथन खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही कारण है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है। इस प्रकार विकल्प दिए दोनों कथन सही है। 117वां क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, सूची तो उद्योग है ये केंद्र, ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें, दो तीन चार एक दो, मतलब खेल का सामान मेरठ में, दियासलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, खेल का सामान मेरठ में, दियासलाई है ये बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। अब देखते हैं 18वां, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो ये ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2024 घोषित किया है, ये ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, तो सी ऑप्शन है इसमें सही, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। इसकी व्याख्या देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की 2256 करोड़ रुपए की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सक्षम को मंजूरी दी है, जिसके तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को प्रस्तावित नई जीएसटी प्रणाली के नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। सक्षम सीबीएसई की नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क प्रणाली एकीकरण, सीबीसी की जीएसटी प्रणाली तथा जीएसटीएन में कोई दोहराव नहीं है। 120वां, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकता को पूरा किया गया है, तो उपयुक्त सही है, दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषक के माध्यम से, पोषण के माध्यम से। इसकी व्याख्या देखते हैं, कंपनी साझेदारी या अस्थायी संगठन के रूप में शुरू किए गए उद्यम या नए व्यवसाय को स्टार्टअप्स, कंपनी का स्टार्टअप कहते हैं, जो एक दोहराने योग्य और इसके लेवल व्यापार मॉडल की खोज के लिए आरंभ किया जाता है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकता को दूत निवेशक के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है, था उपयुक्त सही विकल्प सही। 121 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो इसमें सी ऑप्शन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 6 जनवरी 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सेज इंडिया ने मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी। 22वां क्वेश्चन है, 122, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? तो सी ऑप्शन है,
न्यू डेवलपमेंट बैंक। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की है। इससे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, ब्रिक्स बैंक। 123वां, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन है सोफी चक्र, विरासत चक शामिल है, रामायण चक, तटीय चक। जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 13 थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई। ये परिपथ हैं पूर्वोत्तर भारत परिपथ, कृष्णा परिपथ, मरुस्थल परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालय परिपथ, तटीय परिपथ, जनजातीय परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, इको परिपथ। इन परिपथों में सूफी परिपथ शामिल नहीं है। 124 है, 1 अप्रैल 2017 को प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई। तो बी ऑप्शन है 7400 प्रतिमा है। अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 7400 रुपये निर्धारित की गई। 125 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा की निजी क्षेत्र है। सी ऑप्शन, शहरी क्षेत्रों के 70% कुटुंब। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों के 70% परिवारों का स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। अगला 126वां, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 1 और 2। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। यह ईरान से भारत तक फैली है, ये गलत है। तीसरा 1 और 2 सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। अक्टूबर 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इस नींव डाली। इस योजना में पूर्वी भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा शामिल है। 127 है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन है, स्वच्छ भारत शुद्ध पेयजल से संबंधित नहीं। उदय UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण से संबंधित है। हृदय HRIDAY विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत AMRUT शहरों में मूलभूत संरचनाएं सुधार। अगला है इसकी व्याख्या, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोर संरचना को साफ सुथरा करना है, ना कि शुद्ध पेयजल। वही अन्य 3 विकल्प सही सुन लेते हैं। 128वां है हमारा, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन है, कोपेनहेगन। सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। 129वां है, निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा फंड कॉन्फेडरेशन कप 2017 का विजयी देश था? तो बी ऑप्शन है, जर्मनी। फीफा कॉन्फेडरेशन कप 2017 के फाइनल में जर्मनी ने चिली को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। जर्मनी ने यह खिताब पहली बार जीता। 130वां है, G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 1 और 3। 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था, ये सही है। 13वां G20 शिखर सम्मेलन चीन में संपन्न होगा, ये गलत है। G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ, 14वां होगा, तो ये सही था।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2017 को हैमबर्ग जर्मनी में हुआ। इसका 13वां शिखर सम्मेलन 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में तथा 14वां शिखर सम्मेलन 2019 जापान में होगा। 131वां महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैथाली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया। लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 1, 2, 3 सही है, 14 गलत है। सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है, ये गलत है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मैथाली राज ने 12 जुलाई 2017 को वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व कीर्तिमान बनाने के साथ ही इस प्रारूप में 6000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। मैथाली ने यह कारनामा ICC महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए किया है। मैथाली ने अपने प्रथम मैच में शतक लगाया था। लगातार 7 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैक लेनिंग के नाम पर है। 132 है, निम्नलिखित देशों में किसने भारत और USA के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? तो ये ऑप्शन सही है, जापान। 10 से 17 जुलाई 2017 तक हिंद महासागर में भारत अमेरिका जापान की नौसेनाओं का मालाबार अभ्यास संपन्न किया गया। इस अभ्यास में भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रमादित्य पहली बार शामिल हुआ। युद्ध अभ्यास का फोकस एंटी सब मरीन ऑपरेशन था। 133वां, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 116वां। 157 देशों को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं हम 134वें क्वेश्चन, देश के प्रथम सौर ऊर्जा डिपो लगी डेमो ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन सही, इसमें सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर। विश्व की पहली सोलर एनर्जी डेमो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन चलाने का गौरव भारतीय रेलवे को मिला है। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने 14 जुलाई 2017 को विश्व पहली सोलर एनर्जी की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम के फारूक नगर तक चलेगी। इस ट्रेन की लॉन्चिंग सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की गई। 135वां, निम्नलिखित में से किसी भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया? तो डी ऑप्शन है, श्रीनिवास कुलकर्णी। वर्ष 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एवं भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोल शास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए 19 मई 2017 को प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार दिया गया। 136, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो बी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में हुए BRB अस्पताल हादसे के बाद केंद्र सरकार ने 2004 से लंबित जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव को पास कर दिया है। यह अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। 137वां, भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई? तो सी ऑप्शन, भोपाल। भारत के सबसे बड़े वैश्विक पार्क की आधारशिला 3 जुलाई 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के प्रबंधन अकादमी में रखी। यह पार्क 37 एकड़ में 650 करोड़ की लागत से बनेगा। 138, जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष थे? तो सी ऑप्शन है, केश कस्तूरी रंगन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण सम्मानित के कस्तूरी रंगन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाइनल रूपरेखा के निर्माण हेतु गठित 9 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया था। 139, मई 2017 में उद्घाटन किए गए डोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? तो डी ऑप्शन, 9.15 किलोमीटर।
भूपेन हजारिका सेतु या डोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी के पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के डोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच यातायात के समय में 4 घंटे की कमी आएगी। डोला सदिया सेतु महाराष्ट्र के मुंबई नगर के बांद्रा बरेली समुद्र सेतु से 3.55 किलोमीटर अधिक है। 140 बार भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी, तो सी ऑप्शन सही है, मुंबई करमाली के बीच। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, वह ट्रेन मुंबई से करमाली के मध्य चलेगी, जिसका किराया शताब्दी ट्रेन से 20% ज्यादा होगा। मानसून के समय यह ट्रेन पूरे सप्ताह में मात्र 3 बार ही चलेगी। 141वां क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ, तो डी ऑप्शन है अस्ताना में। 9 जून 2017 को शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई, जिसमें भारत एवं पाकिस्तान को इस संगठन में पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही चीन के प्रभुत्व वाले SCO की सदस्य संख्या बढ़कर 8 हो गई है। SCO के ये 8 सदस्य हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यह SCO का पहला विस्तार है। 142 है, 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है तो चीन। 4 सितंबर 2017 को ब्रिक्स के 9वें शिखर सम्मेलन की बैठक चीन के जियामन शहर में आयोजित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। 143 है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी किए गए सूची के अनुसार निम्नलिखित में किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया, तो सी ऑप्शन है गोंडा। शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर करवाए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के नतीजे 4 मई 2017 को जारी किए गए। इस सर्वेक्षण में इंदौर मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ तथा गोंडा उत्तर प्रदेश सबसे गंदे शहरों में शामिल है। इन 434 शहरों में उत्तर प्रदेश के 62, बिहार के 27 शहर भी शामिल है। आपको अभी 144 बार निम्नलिखित में किसे 2016 के सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया, तो डी ऑप्शन है महाबलेश्वर सेल। प्रसिद्ध कोंकणी लेखक महाबलेश्वर सेल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास हाउ थर्ड के लिए वर्ष 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि 2017 के स्वामी सरस्वती सम्मान गुजराती कवि सितांशु यशचंद को दिया गया। 145 है, विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है, तो डी ऑप्शन है फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपमेंट सेशंस। विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2017 के विश्व जनसंख्या दिवस को की विषय वस्तु फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपमेंट नेशंस है। 140 है, UNA सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में विकसित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है, तो डी ऑप्शन नॉर्वे। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में विकसित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 155 देश शामिल हैं। नॉर्वे है पहले पे, डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे। वो सबसे अधिक दुखी देश है, 155वां मध्य अफ्रीका, 154वां है बुसुदी और 153वां है तंजानिया। सूची में भारत को 122वां स्थान प्राप्त है। 147 इजराइल फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्नलिखित में से कहाँ हुआ, तो सी ऑप्शन है पेरिस में। इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य वार्ता में 70 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यह वार्ता पेरिस में 15 जनवरी 2017 को हुई। इस वार्ता में एक बार फिर द्विराष्ट्र समाधान पर चर्चा की गई। 148
ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो बी ऑप्शन सही है, के श्रीकांत। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब भारत के श्रीकांत ने चैन लॉन्ग को 22-21-16 से हरा कर जीता है। वह ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय 149वें। किसी राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया? तो सी ऑप्शन कर्नाटक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 6 मार्च 2017 को राज्य की जनता को सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह कन्नड़ एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। 150 सूची एक को सूची दो से संबंधित करना। संस्थान है, शहर है, इसमें बी ऑप्शन चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, भारतीय चारा ग्रह एवं चारा अनुसंधान झांसी में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये थे हमारा यूपीपीसी 2017 का पेपर। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।